you're all not worthy. हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, हमने कभी नहीं देखा कि थैनोस को कैसे माइंडस्टोन मिला जो उसने लोकी को दिया न्यूयॉर्क में अटैक करने के लिए, और कहा था माइंडस्टोन। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस थ्योरी के मुताबिक थैनोस हाला प्लेनेट में अटैक करता है क्रीस के ऊपर स्क्रल्स को अपने साथ लेकर माइंडस्टोन के लिए, और वो पूरे प्लेनेट को ही तबाह कर देता है और लगभग पूरी क्री साम्राज्य को और माइंडस्टोन हासिल कर लेता है। और कैप्टन मार्वल किसी कारण वहां से बच के निकलने में कामयाब होती है और अर्थ पे आग गिरती है, और इसीलिए मार्वल स्टूडियोज़ एवेंजर्स 4 के पहले कैप्टन मार्वल रिलीज़ कर रहा है ताकि वो सब कुछ एक्सप्लेन कर सके जो भी कैप्टन मार्वल और थैनोस के बीच हुआ। अर्थ में कैप्टन मार्वल पहुंचने के बाद जब फ्यूरी से मिलती है तब वो किसी पॉइंट पर फ्यूरी को थैनोस के बारे में सब कुछ बता देती है, कैसे थैनोस सारे ग्रहों पर कब्जा करता है और लोगों की हत्या करता है, और साथ ही बताती है कि एक दिन वो पृथ्वी पे भी आएगा। और तभी एक डिवाइस देती है फ्यूरी को जो पेजर है, कि जब भी वो आएगा मुझे तुम बुलाना। और कैप्टन मार्वल अर्थ छोड़ देती है और थैनोस को ढूंढने लगती है, और इसी वजह से निक फ्यूरी सभी हीरोज़ को एकजुट करने लगता है क्योंकि कैप्टन मार्वल ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी ताकि वो खुद भी तैयार हो सके। और जैसे ही फ्यूरी को समझ आया कि कुछ गलत हो रहा है और थैनोस पृथ्वी पे आ चुका है और पृथ्वी खतरे में है, तभी वो कैप्टन मार्वल को पेजर से बुला देता है उस बैटल के लिए जिसका कैप्टन मार्वल पिछले 23 सालों से इंतज़ार कर रही थी। तो ये थी थ्योरी जहाँ क्री वासियों के पास माइंड स्टोन था और थैनोस ने क्री वासियों से ले लिया पूरी क्री साम्राज्य को और उनके प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करके। कॉमिक्स में थैनोस माइंड स्टोन क्री लोगों से लेता है और मुझे लगता है वैसे ही सेम चीज़ एमसीयू में भी हुई है जो हम बहुत जल्द देख लेंगे। हमें ये तो पता है कि थैनोस कुछ लोगों को ले लेता है अपने साथ जिस भी प्लैनेट में वो अटैक करता है, और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा हमने रोनन और कोरथ को जो दोनों ही क्री हैं और जो थैनोस के लिए लड़ रहे हैं उससे नफरत करने के बावजूद भी। और जहां कल ऑब्सिडियन के पास ये सिंबल दिखता है कैप्टन मार्वल का, मे बी ये हाला प्लैनेट में हुए इन्वेजन का है जहाँ बैटल के वक्त कल ऑब्सिडियन ने इसे अपने साथ रख लिया हो एज अ सिंबल, क्योंकि कैप्टन मार्वल सबसे स्ट्रांगेस्ट सुपर हीरो है अर्थ और हाला में भी, और जिसको हराने के बाद कल ऑब्सिडियन ने इसे एक विनिंग ट्रॉफी की तरह अपने साथ रख लिया हो। तो गाइस, ये थी वीडियो की कैसे माइंड स्टोन थैनोस को मिला। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करके नीचे बताएं कि कैसी लगी आपको ये कॉमिक्स की थ्योरी। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। सो गाइस, दिस इज़ योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।